बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। अहमदाबाद में आज कोरोना के 11 और वडोदरा में 17 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है। अहमदाबाद और गांधीनगर में एक एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। गुजरात में कोरोना से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये स्थिति फिलहाल गुजरात में देखिए आप किस तरीके से ये नए मामले सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद में आज कोरोना की 11 और वडोदरा की अगर बात करें तो वहां पर 17 मामले सामने आए हैं। और इसके साथ ही गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है और अब ये आंकड़ा जो है वो 308 का पहुंच गया है। अहमदाबाद और गांधीनगर में एक एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। गुजरात में कोरोना से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इन सब के मद्देनजर तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो चिंता का सबब भी हो गए हैं प्रशासन और सरकार के लिए। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले अगर माथे पर शिकन पैदा करते हैं तो पुणे से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हड़कंप की इस भीड़ में राहत का एहसास करवाया है। पुणे में एक परिवार ने कोरोना को मात दी और इस परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और सभी को पुणे के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। और आज ही पूरा परिवार कोरोना को हराकर एक साथ अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। हालांकि परिवार के सभी सदस्यों को सलाह दी गई है कि 14 दिनों तक वो घर से बाहर ना निकले। तो ये लोग जो पूरा सहयोग करते हुए नजर आए, वक्त पर अस्पताल पहुंच गए जिसके कारण इनका इलाज संभव हो पाया। और साथ ही साथ जो सहयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप सहयोग करेंगे तो ही कोई आपकी मदद भी कर पाएगा। वो डॉक्टर जो दिन रात आपकी सेवा के लिए लगे रहते हैं, वो उन्हें पूरा आपका सहयोग चाहिए होगा आपको ठीक करने के लिए। और कुछ इसी का प्रमाण भी इन लोगों ने दिया और इस तरीके से ये पूरी तरीके से ठीक हो गए।